हाइजीन की बात, यहाँ पे कोई भी आपको किसी भी टाइप का हेजिटेशन नहीं होगा अगर आप कोई भी टाइप के। हेलो एवरीवन, दिस इज सोनम, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सोनम आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने नए वीडियो में, और आज एक ऐसी एक्साइटिंग वीडियो आप लोगों के साथ लेके आई हूँ जो कि आप लोगों को बहुत इंजॉय करने वाले हो। आप इस वीडियो को क्यों इंजॉय करने वाले हो तो मैं आप लोगों को बता दूँ, आज मैं खड़ी हूँ डीवा ब्यूटी केयर सेंटर में, जो कि ब्यूटी से रिलेटेड हर सर्विसेज को प्रोवाइड करती है, चाहे वो हेयर हो, चाहे नेल हो या मेकअप हो, या फिर कोई भी टाइप का आपको ट्रीटमेंट चाहिए तो आप डीवा ब्यूटी केयर सेंटर में आ सकते हैं। और आपको यहाँ पे हर जो सर्विसेज है आपको बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मिलने वाला है, और बहुत कुछ बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले कर लेते हैं क्विक सा व्यू। आपको टूर करवा के आ चुकी हूँ ऊपर में, तो ऊपर में जैसे ही आप आओगे तो यहाँ पे है ऑफिस केबिन बना हुआ है, जिसमें यहाँ की जो ऑनर है वो बैठती हैं और सारा कुछ आपको बताएंगी, आपके ट्रीटमेंट से लेके आपके मेकअप से लेके क्या कुछ आप पे अच्छा लगेगा और क्या आपको करना चाहिए। अगर आप हेयर भी करते हो या कुछ ऐसा आप सर्विसेज लेने आते हो तो सबसे पहले आपके हेयर को, आपके स्किन को परखा जाता है, तभी उसी के अकॉर्डिंग आपको सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे हालांकि बहुत सारे यूनिसेक्स सैलून्स खुल गए हैं, लेकिन ये जो डीवा ब्यूटी केयर सेंटर की बात करूँ तो ये 12 ईयर्स से यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये बहुत ही रेयर ही है लोग जो मुजफ्फरपुर के जो इस ब्यूटी केयर सेंटर से वाकिफ़ नहीं होगा। इनकी सर्विसेज से लेके, इनकी जो बात करूँ मेकअप से लेके, बहुत ही बढ़िया है। और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ, वो मैं बाद में बताऊँगी, क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों को एक सरप्राइज़ देने वाली हूँ। तो चलिए मैं आपको पहले फर्स्ट फ्लोर का विजिट करवा देती हूँ, फर्स्ट फ्लोर का दे देती हूँ टूर, उसके बाद आपको समझ में आएगा। तो जैसे ही आप एंटर करोगे तो ऐसा ही सेम कंस्ट्रक्शन आपका नीचे है, लेकिन थोड़े बहुत चेंजेस दोनों जगह है। एक इनका ग्राउंड फ्लोर पे है और एक इनका फर्स्ट फ्लोर पे है। तो फर्स्ट फ्लोर पे बेसिकली क्या होता है कि कोई भी ट्रीटमेंट वगैरह होता है तो वो फर्स्ट फ्लोर पे ये करती हैं, और ब्राइडल रिलेटेड, मेकअप रिलेटेड, वो सारा कुछ वो ग्राउंड फ्लोर पे करती हैं। तो चलिए करते हैं, आपको ये देखने को ये सेक्शन मिलेगा जो कि वेटिंग एरिया सेक्शन है। और दूसरा मैं आके आपको अंदर लेके चलूँ तो ऐसे ऐसे ये चेयर्स लगाए हुए हैं जहाँ पे आपका थ्रेडिंग, हेयर ट्रीटमेंट और बहुत कुछ ऐसा स्पा वगैरह सब कुछ, कैरेटिन, स्मूदनिंग, सब कुछ आपको यहाँ पे बिठा के किया जाता है। और ये मैं बात करूँ तो ये है बॉडी मसाज वाला सेक्शन, जो कि स्पेशली ये सेक्शन इस टाइप से बनाया गया है कि एक रूम के तौर पे इनको सेपरेट किया गया है। तो मैं आपको इसका पहले व्यू दिखा देती हूँ, उसके बाद बात करती हूँ। दिया कि इसका कैसा अंदर का इंटीरियर है, तो वो टूर करके आपको समझ में आ गया होगा कि इसका जो लाइटिंग वगैरह है उसी हिसाब से रखा गया है। जैसे अगर आप मसाज वगैरह अगर आप करवाने जाते हो तो मसाज के लिए जो लाइटें होनी चाहिए बहुत ही डिम और बहुत ही रिलैक्सिंग, तो आपको इस रूम में आके वैसा ही कुछ फील होने वाला है। तो ये मैं पहले बताते चलूँ कि ये स्पेशली फॉर लेडीज़ है। अगर आप चाहते हो यहाँ का सर्विसेज लेना तो आप आ सकते हो, बिल्कुल ही बहुत ही रिजनेबल प्राइस, और आपको मिलेगा 100% आपको सेटिस्फेक्शन यहाँ पे मिलने वाला है सर्विसेज के बाद, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे सर्विसेज लिए हैं यहाँ पे। और जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड होती है ना, बहुत ही बारीकी से की जाती है, बहुत ही कायदे से किया जाता है जिस टाइप से आप सर्विस ढूंढ रहे हो। उसके बाद मैं दिखा दूँ तो यहाँ पे आपको वैक्स रूम और फेशियल रूम अलग से ये सेक्शन बनाया गया है। और ये आपको आप पता होगा आप लोगों को, तो मैं नहीं भी पता होगा तो मैं बता देती हूँ कि ये स्पा का ये कहा जाता है, स्पा में ये यूज़ किया जाता है। स्ट्रीम मशीन होता है जिससे आपके हेयर स्पा जब आप लेते हो तो आपको स्ट्रीम उसी मशीन से दिया जाता है। तो वो सारी सर्विसेज आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, जो भी बेसिक जो होती है चीज़ें वो सारा कुछ यहाँ पे किया जाता है, जैसे हेयर स्मूथिंग हो गया, कैरेटीन हो गया, फिर वैक्स हो गया, फेशियल हो गया, या फिर मसाज आप मान लो। तो किसी भी टाइप का आप मसाज चाहते हो, बॉडी पॉलिशिंग चाहते हो तो आपको इस सेक्शन में मिलने वाला है, और आपको वहाँ पे वैक्स और फेशियल उस सेक्शन में मिलने वाला है। और यहाँ पे जो भी ओपन सर्विसेज हो सकते हैं तो वो इस चेयर पे आपको बिठा के दिया जाएगा। अभी मैं फेशियल और वैक्स रूम जो मैंने आपको दिखाया था उस रूम में हूँ, और वहाँ पे आप देख सकते हो। तो देखो आप, ये एक सेक्शन है, इसमें 3-4 तरह का सेक्शन बनाया गया है। यहाँ पे आपका लिटा के वैक्स या फेशियल करते हैं, और यहाँ पे भी एक सेक्शन है जो मैं आप लोगों को दिखा दूँ, तो यहाँ पे भी वही चीज़ होता है। और ये जो 2 रूम जैसा आप देख रहे हो ना, ये और ये आपका चेंजिंग रूम और वैक्स रूम भी कह सकते हो। तो इस टाइप का इसमें आपको सेक्शन मिलेगा जो कि 4-5 सेक्शन में इस रूम के अंदर में है। तो आप अगर सर्विसेज करने आते हो बहुत लोगों के साथ भी, तो आपको जगह का बिल्कुल भी यहाँ पे बहुत ही स्पेशियस है, बहुत स्पेशियस है। नीचे लेके चलती हूँ, यहाँ का तो टूर आप लोगों को करवा दिया। आई होप कि आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा ऊपर में। तो चलिए हम नीचे चलते हैं और वहाँ पे बात करते हैं यहाँ की ऑनर, और वहाँ भी कुछ बातें जानेंगे कि और क्या ऐसी अलग चीज़ें हैं जिसके लिए आपको डीवा ब्यूटी केयर सेंटर में आना चाहिए, और क्या ये अलग सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर। सो गाइज, अभी मैं हूँ यहाँ के ग्राउंड फ्लोर पे, और आप जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे एक रिसेप्शन एरिया है। तो यहाँ पे आपको सारा कुछ, आपको जब भी आपकी क्वेरी वगैरह होंगी तो वो यहाँ पे आपको दे दिया जाएगा। और ये आप देख रहे हो, सेम आपको मैंने बताया था कि सेम एज इट इज बनाया गया है ऊपर से लेके नीचे तक, लेकिन यहाँ पे 2 चीजें आपको मेजर डिफरेंस आपको मिलेगी। जैसा मैंने आपको बताया, ये चेयर्स वगैरह जो होते हैं वो मेकअप वगैरह के लिए, नीचे स्पेशली मेकअप को सर्व किया जाता है। और अंटिल अनलेस आप प्रेग्नेंट हो या फिर ओल्ड एज हो तभी आपको यहाँ पे फेशियल और वैक्स वगैरह की भी सुविधा प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी बात है, वो लोग तो ऊपर चढ़ नहीं सकते ना। लेकिन इन्होंने इसी हिसाब से इसको कंस्ट्रक्ट किया है कि फर्स्ट फ्लोर पे ये सारे ट्रीटमेंट्स देती हैं, और जो इनका ग्राउंड फ्लोर है वो है स्पेशली फॉर मेकअप्स। तो जब आप भी जान रहे होंगे कि अभी आने वाली है वेडिंग सीजन, तो उसके लिए स्पेशली ये क्या प्रोवाइड करती है, तो मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ सीधे ब्राइडल रूम में, जो कि इनका बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा सा रूम है। तो देखिए, ये जो रूम मैंने आपको दिखाया ना, तो ये स्पेशली फॉर ब्राइडल्स हैं, जहाँ पे ब्राइडल्स को स्पेशल ट्रीटमेंट्स दी जाती हैं। आपको स्पेशली इस सेक्शन में ही रेडी किया जाएगा। और ये जो केबिन है आपका पूरी तरह से, ये आपको ऐसे स्लाइड होकर बंद हो जाएगा। आपको ये टूर करके कैसा लगा, मजा आया ना? तो ऐसे ही आपको इसी रूम में आपको सजाया जाएगा, आपका मेकअप किया जाएगा। और मेकअप के प्रोडक्ट्स की बात करूं तो मैम 100% उसी प्रोडक्ट को यूज करती हैं जिस हिसाब से आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो मैम के सारे प्रोडक्ट्स बहुत ही ओरिजिनल और बहुत ही ऑथेंटिक होते हैं, तो उस बात से लेके आपको कोई भी ऐसा शिकायत ऐसा नहीं होने वाला है। और मैम 12 ईयर से यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, और बहुत ही हैप्पी कस्टमर को यहाँ पे उन्होंने सर्विस दिया है, जो कि बहुत हैप्पी हैं। वैसे तो यहाँ के लिए इनका नाम ही काफ़ी है, लेकिन फिर भी मैं आपको अपनी नज़रिया से इस ब्यूटी केयर सेंटर को आपको दिखाना चाहती थी कि इनकी हर एक बारीकियाँ आप भी जानो, और जो लोग इससे परिचित नहीं है उनको भी मैं इनसे इंट्रोड्यूस कराना चाहती थी। तो चलिए, मैं अभी ब्राइडल रूम का आपको तो मैंने दिखा दिया, तो अभी यहाँ पे एक और सेक्शन है जो कि मैंने आपको बताया ना, चेंजिंग कम रूम, जैसे प्रेग्नेंट लेडी वगैरह, ओल्ड लेडीज वगैरह होती हैं, तो यहाँ पे मैडम उनको फेशियल वैक्स वगैरह सारे सर्विसेज नीचे भी दे देती हैं। तो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट रहती है उस हिसाब से मैडम आपको सर्विसेज देती हैं। इस रूम का भी टूर दे देती हूँ ताकि आपको भी समझ में आ जाए। हाइजीन की बात करूँ तो तो बहुत ही नीट और क्लीन तरीके से ये अपने पार्लर को रखती हैं, जो कि स्पेशली फॉर लेडीज़ है। यहाँ पे कोई भी आपको किसी भी टाइप का हेजिटेशन नहीं होगा अगर आप कोई भी टाइप के सर्विसेज को लेने आ रहे हो, क्योंकि प्राइवेसी की बात करूँ तो बहुत ही प्राइवेसी आपको मिलने वाली है इस डीवा ब्यूटी सेंटर केयर के अंदर में। और बात करूँ यहाँ के मेकअप वगैरह के, तो उसका मैं एग्जाम्पल आपको अभी लाइव देने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पे करवाने वाली हूँ दुर्गा लुक, जो कि आप लोगों को पता चलेगा कि यहाँ की मेकअप का क्या ऑथेंटिसिटी है और क्या बारीकियाँ हैं, तो वो सब कुछ आपको दिखाऊंगी। तो वो लुक भी आपसे शेयर करूंगी, फिर आप डिसाइड करना कि यहाँ का मेकअप आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए मैम से करवाते हैं थोड़ा मेकअप और उनसे कर लेते हैं थोड़ी बात। मैं अभी बैठी हूँ यहाँ की ऑनर, जो कि डीवा केयर ब्यूटी सेंटर की जो ऑनर है, उनका नाम है पूजा उपल मैम। तो मैम पहले तो आपका वेलकम मेरे चैनल पे, और मैं इनको बहुत पहले से जानती हूँ हालांकि। और एक चीज़ और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि मैं यूट्यूबर बाद में बनी, लेकिन मैंने इनके यहाँ पहले कोर्स किया, तब मैं यहाँ पे इनकी स्टूडेंट हूँ। तो मेरे लिए तो ये गुरु हैं। तो एनीवेज, लेकिन आप लोग से यहाँ मैं इनको इंट्रोड्यूस करने आई हूँ क्योंकि इनका मेकअप वगैरह मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुजफ्फरपुर के अंदर में इनका बहुत ही अच्छा एक नाम है। हालांकि बहुत सारे यूनिसेक्स सलोन्स अभी खुल चुके हैं, लेकिन जो यहाँ के मेकअप और जो यहाँ का जो परफेक्शन एक टाइप से आप बोल सकते हो, मुझे बहुत बढ़िया लगता है। और अभी मैं आप लोगों को भी डेमो देना चाहूँगी। तो मैम, यहाँ के बारे में कुछ, अपने बारे में और यहाँ के बारे में आप हमारे व्यूअर से शेयर कीजिए कि क्या कुछ यहाँ के बारे में कहना चाहोगे कि किस टाइप के आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। मेरे यहाँ जो भी आप एक ब्रांडेड सैलून में देखते हो कि जो भी सर्विसेज मिलते हैं वो यहाँ दीवा में अवेलेबल है। दीवा जो है ये 12 ईयर्स पुराना हो चुका है, लेकिन यहाँ पे सर्विसेज जो भी बिल्कुल अपडेटेड होता है। ठीक है, आप उसमें चाहे वो मेकअप में आप देख लो, नेल एक्सटेंशन देख लो, हेयर एक्सटेंशन देख लो, मेकअप में जितने भी वेरिएंट्स होते हैं, मैनुअल मेकअप, मैनुअल विद हेयर ब्रश, फुली हेयर ब्रश, एडवांस मेकअप, एचडी मेकअप, आप जो भी कराना चाहेंगे वो करा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्किन ट्रीटमेंट्स होती हैं, हेयर ट्रीटमेंट्स होती हैं, जो भी चीज़ें जो आपको चाहिए वो आपके अकॉर्डिंगली आपको प्रोवाइड की जाती है। आपके स्किन का टेक्सचर देख के, आपके हेयर का टेक्सचर देख करके हम लोग सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एक चीज़ हम लोगों ने खास चीज़ को ध्यान रखा है, क्योंकि मेरा जो सैलून है वैसे तो पुराना है और सर्विसेज भी काफ़ी अच्छी हैं, मेरे स्टाफ्स भी काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन एक चीज़ है कि मेरा मार्केट से थोड़ा हटके है पार्लर। ठीक है, मैंने अपने पार्लर को अपने घर के अंदर ही खोला था, तो मैंने एक चीज़ को हमेशा ध्यान में रखा। जैसे मैं खुद भी एक मीडियम फैमिली से हूँ, तो मैंने हमेशा मीडियम फैमिली को ध्यान में रखते हुए किया कि हर किसी का अपना बजट होता है, तो मैं बजट के अकॉर्डिंगली काम करती हूँ। मुझे ये चीज़ शुरू से ही पता नहीं क्यों पसंद भी थी खुद के लिए भी, और मैं दूसरों को भी ये चीज़ देना चाहती हूँ। मुझे ये लगता है कि अगर कोई मुझे बजट बताता है कि मेरा बजट ये है और मुझे चीप एंड बेस्ट अच्छा कुछ चाहिए, तो मैं उसके हिसाब से पैकेज बना के दे सकती हूँ। वो ब्राइडल मेकअप हो या वो हेयर ट्रीटमेंट्स हो या वो स्किन ट्रीटमेंट्स हो। जहाँ तक देखा जाता है आजकल हर कुछ नई नई चीज़ें आ रही हैं, तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना पड़ता है कि हम जो सर्विसेज दे रहे हैं उससे हमारे क्लाइंट को कोई हार्म भी ना हो और वो सेटिस्फाइड भी हो। तो एक बार मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगी कि आप लोग पहले यहाँ पे आके यहाँ पे सर्विसेज लो। और सर्विसेज में इनका अलग इसलिए है क्योंकि ये कोई भी सर्विसेज अगर आप आओगे ना कि मैम मुझे ये कलर करवाना है या ये मेरे हेयर का ट्रीटमेंट करना है, तो आपको ऑन द स्पॉट नहीं देंगी। ये पहले आपके हेयर के टेक्सचर को, आपके हेयर के स्ट्रेंथ को, वो सारा कुछ चेक करेंगी। क्योंकि मैंने पर्सनली इनसे बहुत सारी सर्विसेज लिए हुए हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने भी 2-3 चीज़ें ऐसी बोली, लेकिन मैम ने बोला नहीं, आपके अकॉर्डिंग, आपके स्किन के अकॉर्डिंग या फिर आपके हेयर के अकॉर्डिंग ये सूटेबल नहीं है, तो आप इसको नहीं लो। तो हर तरह का मेकअप मैम प्रोवाइड करती हैं, जैसे एयर मेकअप, एयर ब्रश मेकअप हो गया, एचडी मेकअप हो गया, या फिर जैसे आपका सुप्रा हो गया, डर्मा हो गया, तो हर कुछ ये प्रोवाइड यहाँ पे आपको कर देंगी, वो भी बेस्ट रेट में करेंगी। तो चलिए इनसे मैं करवा लेती हूँ एक बहुत ही प्यारा सा लुक, क्योंकि आने वाला है नवरात्रि, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक मैम का डेमो भी हो जाएगा इस वीडियो के अंदर में, और आप लोग भी इनके मेकअप की हर वो चीज़ें देख पाओगे कि कैसे ये मेकअप करती हैं और क्या इसका रिजल्ट है। तो चलिए मेकअप करवाएं। तो गाइस, सबसे पहले अगर जब आपका मेकअप होने वाला रहता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो है CTM, जो कि क्लींजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग। तो अभी मैं CTM के लिए बैठी हुई थी, तो सोचा कि एक क्लिप आप लोगों के साथ भी शेयर। फाइनल लुक जो कि मैम ने किया है और मैं तो बहुत खुश हूँ। आप देख सकते हो, बारीकी मैं आपको दिखाती हूँ। थोड़ा सा आप कैमरा मेरे पास लाइए और मेकअप का हर एक बारीकी दिखाइए कि मैम ने कितनी मेहनत से ये मेकअप किया और क्या इसका रिजल्ट है, आप खुद देख सकते हो। तो ये साड़ी वगैरह भी आप देख सकते हो, मैम ने ही मुझे पहनाया है। पूरा प्रॉपर इन्होंने मुझे गेटअप दिया है और मुझे बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि ये जो लुक है ये पूरी तरह से जस्टिफाई कर रहा है दुर्गा लुक को। और मैडम से मेकअप करवा के एनीवेज मैं तो इनके मेकअप की कायल हूँ ही, मुझे बहुत अच्छा लगता है इनका मेकअप। बहुत ही इजी टेक्निक के साथ करती हैं, कोई बहुत ज्यादा ताम झाम नहीं करती हैं, येट आपको इतना बढ़िया मेकअप लगने वाला है, इतना क्विक करती हैं। आप अगर ब्राइडल मेकअप की बात करो या फिर पार्टी मेकअप की बात करो, और आप ये देख ही रहे हो, ऐसे और भी हम लोग साथ में मेकअप एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे और आपको दिखाना चाहूंगी कि इनमें क्या क्या हुनर है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा मैम, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतना प्यारा गेटअप दिया। और ऐसे और भी मेकअप एक्सपेरिमेंट हम लोग साथ करते रहेंगे। आप लोगों को भी आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। मैम तो दो शब्द आप कुछ कहना चाहेंगी? मैंने आपको बहुत ज्यादा परेशान तो नहीं किया? नहीं, बिल्कुल परेशान नहीं किया और आपने काफी ज्यादा कॉपरेट किया है मुझे। और मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि आप लोग भी ब्राइडल मेकअप के लिए यहाँ आ सकते हैं, हमें ज्वाइन करिए और डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर और एड्रेस होगा जिससे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल। और अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं और पूजा मैम के साथ मेरे रेफरेंस देते हैं तो आपको एडिशनल और भी डिस्काउंट यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे जी। और आप जैसा इनको देख रहे हैं इसी तरह से हम लोग ब्राइडल मेकअप में भी लुक देगा मतलब बेस यूज करते हैं जो काफी लॉन्ग लास्टिंग होता है, काफी नेचुरल होता है, जो कि मेकअप आपका काफी स्टे करेगा। और कहीं भी आजकल जैसा लोग चाहते हैं कि मेकअप हो बट वो सिंपल और सोबर हो, ठीक है, मेकअप पूरा निखर करके आए, उस तरह से मेकअप दिया जाएगा। क्योंकि ये दुर्गा जी का लुक है तो इसको हम लोगों ने इस तरीके से किया है। और आने वाले दिनों में अभी नवरात्र शुरू हो रहा है तो इसलिए हम लोगों ने दुर्गा जी का गेटअप चूज किया था जो कि मुझे बहुत प्यारा लगा है। तो थैंक यू सो मच मैम। तो गाइज ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ अगर आप चाहते हैं यहाँ पे अपना मेकअप करवाना तो मैं सारा डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और प्लस यहाँ का नंबर भी दे दूंगी, आप इंक्वायरी कर सकते हैं। और एडिशनल डिस्काउंट के लिए करना है आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरा रेफरेंस भी यहाँ पे दे सकते हैं, आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।